क्या हुआ? हमारी मदद करो, मेरा अमर जख्मी है, महाराज ने उसे गोली मार दी। शेर खान, ये तो वही सूरमा है जिसने हमारी जान बचाई थी, उठा उसे। जी रानी मां। खतरे की कोई बात नहीं रानी मां। ये देखिए रानी मां, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए। शुक्र तो आपका है जो आपने बचा लिया। एक बात पूछूं बेटे, ये बाजूबंद तुम्हें कहां से मिला? मुझे मेरी माँ ने दिया था। माँ ने? जी हाँ, जिसे मैं अपनी माँ समझता था। समझते थे? क्या मतलब? हाँ, वो मेरी माँ नहीं थी, लेकिन मेरे लिए माँ से भी ज्यादा थी। उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत प्यार दिया, लेकिन मरते समय मुझे बताया कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ, और ये भी बताया कि कोई मुझे गणेश जी के मंदिर में छोड़ गया था और वो मुझे उठा लाई थी, और ये जो निशानी आपके हाथ में है उस वक्त मेरे बाजू पर बंधी हुई थी। हाँ, उसने ठीक कहा था, वो तुम्हारी माँ नहीं थी। आप कैसे जानती हैं? क्योंकि वो आभागन माँ मैं हूँ। आप? हाँ। आपने मुझे मंदिर में छोड़ दिया था, क्यों? जब कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ देती है तो उसके दुखों का अंदाजा इंसान तो क्या भगवान भी नहीं लगा सकता। ये एक लंबी कहानी है राजकुमार। जी राजकुमार? तुम राजकुमार हो बेटे? मैं राजकुमार? आप सब क्या कह रहे हैं? मैंने जिंदगी भर तुम्हारा मुंह देखने की तमन्ना में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एक बार अपने मुंह से मुझे माँ कह दो, एक बार माँ कह दो बेटे। माँ? एक बार फिर, एक बार बोल दो। माँ? माँ? मेरे लाल, अमर। माँ? राजकुमार अमर सिंह की जय! 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 राजकुमार, अब हमारा काम खत्म हो गया। धर्म, न्याय और प्रजा की रक्षा के लिए आज से ये शाही तलवार हम तुम्हारे हवाले करते हैं। राजकुमार अमर सिंह, आज से हम आपको अपना राजकुमार नहीं बल्कि अपना राजा मानते हैं। आपकी जनता अपने खून से आपका राज तिलक करती है। महाराज अमर सिंह की जय! आज आपने केसर की जगह अपने खून का तिलक लगाकर मुझे अपना राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने प्यार की जंजीरों में बांधकर अपना गुलाम बना लिया है। हम आपसे वादा करते हैं लहू की जिस बूंद से आज हमारा राज तिलक हुआ है, इस एक बूंद की कीमत चुकाने के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। आज हम बगावत का ऐलान करते हैं। जय भवानी! जय भवानी!
बगावत बगावत आज हमारे पूज्य महाराज की महान मूर्ति को तोड़कर बगावत का झंडा चौक में नहीं हमारी छाती में गाड़ा गया है। हमारे सेनापति महामंत्री रियासत के अमीर वजीर हमारी सेना सबके सब अपनी आंखें बंद करके हमारे अपमान का तमाशा देखते रहे और हमें यकीन दिलाते रहे कि महारानी और राजकुमार दोनों मर चुके हैं, मगर आज फिर वो मुर्दे जिंदा हो गए। कैसे कैसे? कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज कि जिंदा आदमियों को मुर्दों का नाम देकर खड़ा कर दिया जाता है। हमारे ख्याल में राजकुमार नकली है। चांद को सूरज समझकर दिन नहीं निकल आता। दुश्मन असली हो या नकली, वो दुश्मन होता है। अभी ये बगावत महज एक कतरा है। इससे पहले कि ये कतरा तूफान बन जाए, इसे मलियामेट कर दो। रियासत के कोने कोने में फौज का पहरा बिठा दो। जिस इंसान पे शक हो उसे गोली से उड़ा दो। हम इस बगावत की आवाज को गोलियों की आवाज में दफन कर देना चाहते हैं। तुम्हारी रानी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ तुम्हारे राजकुमार कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। बागी के बच्चे, अगर तूने राजकुमार का पता नहीं बताया तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, समझे? मैं बागी नहीं हूँ सरकार, सच कहता हूँ, मैं बागी नहीं हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुम्हें। कहाँ है राजकुमार तेरा? हम नहीं कुछ जानते सरकार। सारी सेना को लेकर तुम अभी तक बागियों के खुफिया अड्डे का पता नहीं लगा सके? हम महाराज को मुंह क्या दिखाएं? क्या करें महामंत्री जी, सारी प्रजा ही उनके साथ है। हम उनकी खाल उधेड़ देते हैं लेकिन उनकी जबान नहीं खुलती। तो जो काम तुम्हारी ताकत नहीं कर सकी वो अब हमें अपनी तदबीर से करके दिखाना होगा। जैसा हमने कहा है वैसा ही किया जाए। जी हाँ। कोई भूल ना हो। और देखो, हमारा ये संदेशा आज ही राजगढ़ के दीवान साहब को भिजवा दिया जाए। हमें उनकी मदद की जरूरत है। जी। राजकुमार की जय हो, महारानी की जय हो, राजकुमार की जय हो, महारानी की जय हो। ए बुड्ढे, ए बुड्ढे, छोड़ लो हमें। पता राजकुमार और रानी को कहाँ छुपा रखा है? और ना तेरे दोनों बेटे तेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। हमारा सर्वनाश कर डालो, हमें मार डालो। हम बागी हैं बागी, हम नहीं बताएंगे कि रानी माँ कहाँ है और राजकुमार कहाँ है। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। मार डालो, मार डालो। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। पता तुझे भी मार डालेंगे, नहीं तो मार डालो, मार डालो हमें। पर याद रखो, हर इनकलाबी की मौत कौम की जिंदगी होती है। मार डालो, राजकुमार की जय हो, महारानी की जय हो। तो ले मर फुटे। धन्य हो वीर, धन्य हो तुम्हारी शूरवीरता। धन्य तो तुम हो बाबा, हम तुम्हारी देशभक्ति को सलाम करते हैं। राजकुमारी को पता है कि तुम ही बागी राजकुमार हो? पता नहीं। तूने उसे खबर तक नहीं की? नहीं। तू उसे भूल गया क्या? ओए, उसने तुझसे प्यार किया है और वो शल्लो, ये जंग की घड़ी है, प्यार के राग अलापने का वक्त नहीं। अमर, उसका तो जीवन ही प्यार है, तेरे हालात बदल गए, तू बंजारा से राजकुमार बन गया, उसमें उसका क्या दोष? उससे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं। तो फिर तू इतना बदला बदला क्यों है?
चलो उधर देख, राजमाता की तरफ। किसी सालिम ने उसके सुहाग का खून कर दिया, उससे उसका सिंहासन छीन लिया, एक महारानी को रास्ते की भिखारन बना दिया, और वो बरसों तक बदले की आग सीने में दबाए उस दिन का इंतजार करती रही कि एक दिन उसका बेटा जवान होगा, उस पर किए गए हर जुल्म का बदला लेगा, उसका खोया हुआ सिंहासन वापस उसके कदमों में डाल देगा, उसे फिर भिखारन से एक बार महारानी बना देगा। और आज जब उसका सपना पूरा होने का दिन आया है, तो उसका बेटा ये कह दे कि मां, मैं दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत और जंग के दरमियान मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, जरा सोचो क्या बीतेगी उसके दिल पर, कहीं आकाश से मुझे देखती हुई मेरे पिताजी की आत्मा मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी है। यही सोचो शल्लो, बाकी सब भूल जाओ। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप जानते हैं ये बागी राजकुमार कौन है? कौन? आपका अमर। अमर? हाँ, मुझे अपने शल्लू ने बताया। मेरी आंखों के सामने मेरे दो बेटों को गोली मार दी, हमें जंगल से घसीटते हुए अपने सेनापति के पास ले जा रहे थे, जब तक आपके आदमी पहुंच गए। अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंच जाते रानी माँ, तो इस बेचारे के ये दोनों बेटे भी गोली से उड़ा दिए जाते। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ राजमाता, मेरे दो तो क्या 100 बेटे भी आप पर निछावर हो जाते तो भी मैं अपने आप को धन्य समझता। हमें आपकी राजभक्ति पर नाज है शेर खान, इनके मरहम पट्टी का इंतजाम किया जाए। राजमाता की जय हो। क्या समाचार है? विक्रम सिंह की मदद के लिए राजगढ़ की फौजें कूच कर गई। कूच कर गई? फौजें कब तक पहुंचेंगी? कल रात तक। इसका मतलब है दुश्मन के पहुंचने से पहले हमें किले पर हमला कर देना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ शल्लो, यही वक्त है। इस वक्त दुश्मन कमजोर है, उसकी आधी से ज्यादा सेना गांव-गांव में बिखरी हुई है, हमें आज रात को ही कूच कर देना चाहिए, ताकि सुबह दुश्मन के जागने से पहले हमारी तोपें किले के दरवाजे पर दस्तक दे सकें। हम अमर सिंह से सहमत हैं, जंग में जीत उसी की होती है जो पहला वार करता है, लेकिन हम जान चुके हैं भैया, जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं वो किसी का छीना हुआ है और उसका हकदार पैदा हो चुका है। इंसानियत का तकाजा तो ये है कि हमारे स्वर्गवासी पिता के माथे पर जो खून का धब्बा है उसे हम धो डालें और इस राज का जो हकदार है इसे उसके हवाले कर दें। राजपाट कोई खिलौना नहीं कि प्यार से किसी को भेंट किया जाए। तख्त और ताज हमेशा छीने जाते हैं और जोरे बाजू से उनकी हिफाजत की जाती है, सो मरते दम तक की जाएगी। लेकिन प्रजा चुप रहने वाली नहीं है भैया, वो इसका जवाब मांगेगी, अगर जवाब नहीं मिला तो बगावत हो जाएगी। बगावत से मुकाबला मर्दों का काम है, औरतों का काम है चुपचाप बैठकर तमाशा देखना। औरत सिर्फ तमाशा नहीं देखती है भैया, वक्त आने पर तलवार भी उठाती है। जरा इतिहास पढ़कर देखिए। बहादुर लोग इतिहास पढ़ते नहीं, तलवार की नोक से नया इतिहास लिखते हैं। भवानी माँ तुम्हारी रक्षा करे बेटा, विजयी होकर आना। इंशाअल्लाह रानी माँ, कल हम दुश्मन का खात्मा करके आपके लिए शाही सवारी लेकर आएंगे और आपको पूरी शान और शौकत के साथ यहाँ से ले जाएंगे। आमीन। सब निकल गए महामंत्री जी। घोड़े तैयार हैं? हाँ सरकार, पहाड़ के पीछे सब तैयार है। Thank you.
एकदम सन्नाटा है, दुश्मन बेखबर सो रहा है और दरवाजे के उस तरफ सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। खान चाचा, तोपों को आगे ला जाए। पहले टुकड़े के साथ हम आगे बढ़ेंगे। खान चाचा, आप दाहिनी तरफ से हमला करेंगे। जो हुक्म। और तुम अपने टुकड़े के साथ किले के बाहर रहोगी, भागते हो दुश्मन पर हमला करने जी। चलो, अगर इस लड़ाई में मुझे कुछ हो गया तो रानी माँ तुम्हारे हवाले, एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखना। वास खान। जी हुजूर। हमारे हमला करते ही किले के दरवाजे को उड़ा दिया जाए। तुम समझते थे कि हम आराम की नींद सो रहे हैं, जिसके सर पे ताज होता है, जिसकी कदमों तले तख्त, उसकी आंख कभी नहीं झपकती। बेवकूफ, इन मुट्ठी भर किसानों के हाथों में लोहे के खिलौने देकर उन्हें वरगला कर शाही तोपों का मुकाबला करना चाहते हो? जंग तोपों से नहीं, इरादों से जीती जाती है, और हमारे साथियों के इरादे तुम्हें पनाह देने वाली इन दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। इरादे तो चूंटियों के भी बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन वो पहाड़ों का क्या बिगाड़ सकती है? अगर हम चाहते तो इसी वक्त हमारी तोपें तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की लाशों को हमेशा के लिए ठंडा कर देती, लेकिन हम तुम्हारी गुस्ताखी की सजा इन गरीबों को नहीं देना चाहते। इसीलिए हम तुम्हें एक मौका देते हैं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम इन सब की जाने बख्श देंगे। हम जान हथेली पर रख कर आए हैं विक्रम सिंह, हमारे साथ किराए के सिपाही नहीं है, ये वो बागी हैं जिन्हें तुम्हारे जुल्म की आग ने ज्वालामुखी बना दिया है। और हम सब रानी माँ को वचन देकर आए हैं कि जो तख्त तुम्हारे बाप ने अपने मालिक का कत्ल करके हासिल किया था, उसे छीन कर हम अपनी रानी माँ के कदमों में डाल देंगे। जय भवानी, जय भवानी। ठहरो, पहले अपनी रानी माँ के दर्शन तो कर लो। वो जिस सिंहासन की हकदार थी, हमने उसी सिंहासन पे बिठा रखा है उसको। वो देखो, अब सोच लो, अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तुम्हारी माँ के टुकड़े कर दिए जाएंगे। हम फिर वादा करते हैं, अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम इन सब को माफ कर देंगे। चुप क्यों हो गया अमर? ये सोचने का वक्त नहीं, आगे बढ़ो और एक बहादुर बेटे की तरह अपने पिता के लूटे हुए अधिकार को छीन लो। इस वक्त यही तुम्हारा फर्ज है। हमारा वक्त बर्बाद मत करो बंजारे। अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो नकारे की चौथी आवाज पर तोप दाग दी जाएगी। सिपाही, मशाल जला लो। शर्त मंजूर है विक्रम सिंह,
लेकिन एक शर्त पर कि हमारे बदले तुम रानी माँ को रिहा कर दोगे। नहीं अमर नहीं, मेरी चिंता मत करो, आगे बढ़ो और अपने राजपूतीय धर्म का पालन करो। ये राज तुम्हारा है, उसे छीन लो। नहीं माँ, मैं राजपाट तो क्या दोनों जहान चुकरा सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ के प्राणों की आहुति नहीं दे सकता। अमर, इस एक रिश्ते के लिए अपने कर्तव्य को मत भूलो। कर्तव्य ही माँ है, कर्तव्य ही पिता है, बल्कि कर्तव्य ही ईश्वर है। अगर कर्तव्य ही ईश्वर है तो मेरे लिए माँ ईश्वर से भी महान है। विक्रम सिंह, रानी माँ के बंधन खोल दो, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले करते हैं। हमें मंजूर है। हमने अपना वचन पूरा किया है विक्रम सिंह, अब तुम अपना वादा पूरा करो, रानी माँ को आजाद कर दो। जाहिल बंजारों को हांकने वाले नादान, तुम राजनीति के दाव पेच नहीं समझ सकते। राजनीति में वादा किया तो जाता है, निभाया नहीं जाता। विक्रम सिंह, नीचता में तो तुम अपने बाप को भी मारते गए। हम हारे हुए दुश्मन की गाली को गाली नहीं समझते। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि पहले बेटा अपनी माँ की मौत का नजारा देखना चाहता है या माँ अपने बेटे की मौत का। जल्दी फैसला करो, मौत कदम कदम तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। बहादुरों की तरफ बढ़ते हुए मौत के कदम कभी कभी अपना रास्ता बदल लेते हैं। विक्रम सिंह, अमर के साथ धोखा हुआ है। फाटक तोड़ा दो। दिखा दो गोपी, उड़ा दो इसे। कौन बचाता है? राजकुमारी जी, आप दुश्मन की मदद कर रही हैं। मैं न्याय का साथ दे रही हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। किसमें हिम्मत है? बास बुढ़े, तुझे मैं ठीक कर दूंगी।
चलना। ये क्या हुआ, ये क्या किया? तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करती राजकुमारी। महाराज अमर सिंह की जय। 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 ये जीत हमारी नहीं, आप सब की है, सारी प्रजा की है। नहीं महाराज, ये इंसाफ की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये इंसानियत की जीत है। सच्चाई जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद।